तो राजस्व संग्रहण के लिए सरकार और उसकी छोटी बड़ी इकाई जैसे नगर निकाय, जिला पार्षद और ग्राम पंचायत आदि के द्वारा कार्य किया जाता है, मगर कई बार ग्राम पंचायत राजस्व संग्रहण में पीछे रह जाता है। लालगंज प्रखंड का बसंता जहानाबाद पंचायत अपने आप को सुदृढ़ करने में अलग अलग कार्य योजनाओं से लगा है। पंचायत का राजस्व कैसे बढ़े, लोगों को एक ही जगह आसपास में कई प्रकार की सुविधा कैसे मिले, इसको लेकर पंचायत के मुखिया भी लगातार प्रयासरत हैं। यही वजह है कि पंचायत में हाट बाजार निर्माण, पोखर का सौंदर्यकरण, उसमें मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन समेत कई कार्य किए जा रहे हैं। यह कार्य धरातल पर कितना सही है, इसकी जांच करने वैशाली DDC लालगंज पोझियां पहुंचे, पूरे कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया। मामले में पंचायत के मुखिया गणेश राय ने कहा कि हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है कि पंचायत के पास अपना बजट हो, राजस्व बढ़ाने का माध्यम विकसित हो। इतना ही नहीं, पंचायत के लोगों को पहले से अधिक सुविधा कैसे मिले, इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था। यही वजह है कि मुखिया बनने के बाद सबसे पहले पंचायत भवन को दुरुस्त कर सभी प्रकार की ज़रूरी सुविधा उपलब्ध कराया, फिर पोझियां हाट पर लगने वाले बाजार को व्यवस्थित और सुलभ बनाने का कार्य किया। साथ ही पोखर, जिसका सही से उपयोग नहीं होता है, उसका सौंदर्यकरण कर लोगों की आमदनी बढ़ाने के साथ राजस्व बढ़ाने का दिशा में कार्य किया, ताकि पंचायत के विकास को और गति मिल सके। इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण करने DDC पहुंचे थे। उन्होंने कार्य को जल्द पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया है। DDC सर किस लिए आए थे, क्या था? मुआयना करने, कार्यकाल जो अभी कार्य हो रहा है, कार्य प्रगति में है, जो देख रहे हैं ग्रामीण हाट बन रहा है, पोखरा की सौंदर्यीकरण और सीढ़ी का निर्माण हो रहा है, और जो कार्य हो रही है यहाँ का, उसको उन्होंने आज देखने आए थे। और ये पोखर में देख रहे थे सिंघारा, क्या बोलते हैं, सिंघारा ही नहीं, वहाँ मछली का भी अच्छा बिचड़ा का उत्पादन होगा, और आने वाले दिनों में यहाँ राजस्व संग्रहण का एक बहुत ही बढ़िया संसाधन होगा। पंचायत जो है राजस्व के मामले में बहुत ही बेहतर हो, इसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जो ये ग्रामीण हाट बन रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि राजस्व संग्रह और यहाँ लोकल में, यानी अपने ही गांव में, सारी सुविधा एक छत के नीचे यहाँ के स्थानीय आम आवाम को मिले। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ निर्देश दिए? इन्होंने तेजी में कार्य को प्रगति में एक माह में खत्म करने के लिए, तो मैं रखूंगा भी कि एक माह के अंदर हम इस कार्य को पूरा करें।